बैक टू द चैनल दिस शुभम एंड आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस आई होप आप लोगों ने 04429 का टाइम टेबल देख लिया होगा जो शामली दिल्ली सहारनपुर स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। तो अब मैं बताने वाला हूँ 04430 सहारनपुर शामली दिल्ली स्पेशल ट्रेन का। ये भी ट्रेन अनारक्षित होगी। ये ट्रेन 6 अप्रैल से चलेगी सुबह सहारनपुर से और दोपहर को पहुँचेगी करीब 12:30 के आसपास दिल्ली शामली होते हुए। तो इसमें भी मैं मेन स्टेशन बताऊँगा और क्योंकि फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारे स्टॉपेज होते हैं क्योंकि उसके बाद भी 35 स्टॉपेज हैं। इसके 35 में से करीब मैं 15 आपको स्टॉपेज बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ट्रेन 6 अप्रैल को चलेगी यानी कि ट्यूसडे को सहारनपुर से और 12:30 के करीब पहुंचेगी दिल्ली। ये सुबह 6:55 पर सहारनपुर से चलेगी। टोटल एवरेज स्पीड होगी इसकी 29 किलोमीटर पर आर, 5 घंटे 35 मिनट में 165 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करेगी। 5 घंटे 40 मिनट में 165 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी और जिसमें इसके 35 हॉल्ट होंगे। सुबह वाली के 31 थे, इसके 35 हॉल्ट होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सहारनपुर से ट्रेन निकलेगी 6 अप्रैल को 6:55 पर सुबह। उसके बाद ये ट्रेन टपरी पहुँचेगी 7:03 पर सुबह। 7:08 पर ये ट्रेन निकल जाएगी टपरी से। 7:49 पर पहुँचेगी ननोत्ता। 7:50 पर निकल जाएगी सुबह के। थानाबंद पहुँचेगी 8:01 पर। 8:02 पर निकल जाएगी। शामली पहुँचेगी ये ट्रेन 8:45 पर सुबह के और 8:50 पर निकल जाएगी। कांधला पहुँचेगी ये ट्रेन 9:10 पर, 9:11 पर निकल जाएगी। एलम पहुँचेगी 9:19 पर, 9:20 पर निकल जाएगी। कासिमपुर पहुँचेगी 9:35 पर, 9:37 पर निकल जाएगी। बड़ौत पहुँचेगी 10:01 पर निकल जाएगी। बागपत पहुँचेगी 10:26 पर, 10:27 पर निकल जाएगी। खेखरा पहुँचेगी 11:04 पर, 11:05 पर निकल जाएगी। नौली पहुँचेगी 11:40 पर, 11:41 पर निकल जाएगी। और दिल्ली शाहदरा पहुँचेगी 12:06 पर, 12:08 पर निकल जाएगी। इसके बाद लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि अपना दिल्ली जंक्शन पहुँचेगी दोपहर के 12:30। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्रेन है 04430 सहारनपुर शामली दिल्ली, ये चलेगी 6 अप्रैल से और 04429 वो चलेगी 5 अप्रैल से शाम को। तो ये था सहारनपुर शामली दिल्ली का टाइम टेबल जो इसमें मैंने मेन स्टेशन आपको बताए हैं। कुछ अगर आपका और क्वेरी हो सकती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आप मेरे को पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आंसर कर दूँगा।